राजगढ़ में हुए सीएए समर्थन रैली के दौरान थप्पड़ कांड के बाद प्रदेश भर में भूचाल सा आ गया था। भाजपा ने जगह जगह प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसी बीच राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता को अशोक नगर कलेक्टर मंजू शर्मा का साथ मिला है। उनका कहना है कि अधिकारियों के साथ किसी को भी बदतमीजी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों के लिए हाथ में सैंडल, जूता या चांटा होना जरूरी है। दरअसल राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर मंजू शर्मा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उनके लिए गलत बोलता है तो वह खराबी लोगों की है, मेरी नहीं। देश में हो रही ऐसी घटनाओं पर कलेक्टर ने कहा कि आजकल जो भी हो रहा है उसके बाद हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे हाथ में सैंडल होना चाहिए या फिर जूता होना चाहिए और फिर चांटा। मई में कलेक्टर मंजू के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ के कुछ बड़े और छोटे लोगों ने मेरे बारे में बहुत अभद्र बातें की थी, लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। ऐसे लोग यह जरूर समझ ले कि हम उनके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।